लेक्चर नंबर 43 हमको पढ़ना है ईएमडब्ल्यू अप्रॉक्सिमेट वेटेज फ्री मार्क्स। अभी क्या हुआ कंबाइंड कर दिया गया सीबीएसई में, आरबीएसई में हमें 3 नंबर है कंबाइंड करके ऑप्टिक्स के साथ बना दिया गया उसको 17 मार्क्स 14 मार्क्स ऑप्टिक्स के 3 नंबर है हाँ सीबीएसई में 3 नंबर और 14 नंबर मिलाकर आरबीएसई में भी 3 नंबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये लिंकिंग चैप्टर है जो ईएमआई को लिंक करता है। ईएमआई की लिंकिंग कैसे हो गया समझो, मैक्सवेल ने ये देखा प्रेडिक्ट किया कि जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो डेवलप कर देगा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आता है, करंट के कारण आता है। तो मैक्सवेल ने एक नई तरह की करंट डिस्कवर की जिसको चलने के लिए किसी कंडक्टिंग पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं और उस करंट को उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। सबसे पहले जो आर्टिकल इसमें हमको पढ़ना है उसपे रिसेंटली रिसेंट इयर्स में काफी क्वेश्चंस बने हैं तो दो नंबर का एक क्वेश्चन बनता है एक्सप्रेशन जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का तुम्हें डिराइव करना आ चाहिए और छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं जो इसी में होता है। तो इंपॉर्टेंट मार्क करोगे दो नंबर लिखोगे डिस्प्लेसमेंट करंट मेन चैप्टर बाद में स्टार्ट होगा पहले डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे। सिंपल यूज करेंगे आई सबस्क्रिप्ट डी। इसको ऐसे समझो अगर मैं कोई कैपेसिटर कंसीडर करता हूं, एक कैपेसिटर है ये इसकी दो प्लेट्स हैं और इसको मैंने एक सर्किट में जोड़ा हुआ है। सपोज 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी बैटरी और 20 वोल्ट इसकी कैपेसिटी इसकी है। जब बैटरी जोड़ते हैं तो इसमें मोमेंटरी करंट फ्लो होती है जब तक ये चार्ज नहीं हो जाता। कंडक्टिंग पाथ में जो करंट फ्लो होती है उसको मैं दिखा रहा हूं आई सबस्क्रिप्ट सी से उसको बोलेंगे कंडक्शन करंट। और इसके कारण इसकी इनर सरफेस पर यहां पर सपोज चार्ज आ जाता है प्लस क्यू और इधर आ जाता है माइनस क्यू और जब चार्ज बढ़कर इतना हो जाता है कि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज वी के बराबर हो जाता है तो उसके बाद फिर सप्लाई 1 करंट 0 ऐसा होता है। अभी जो इसके प्लेट का एरिया है वो है ए। तुम इस पॉइंट की स्थिति देखो ये जो पॉइंट यहां पर है इसकी स्थिति देखो यहां पर करंट आ रही है पर यहां से कोई भी करंट जा रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर जंक्शन लगा रहा हूं तो केसीएल किरचॉफ करंट हो तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, इनकमिंग करंट तो है आउटगोइंग करंट जीरो है यानी जंक्शन तो यहां पे फेल हो जाता है। ये बनाने का हमें इंतजार नहीं करना, बोर्ड पे जो कुछ लिखा जो कुछ बनाया तुम्हें साथ में बनाना है, इंतजार करो तो पीछे रह जाओ। मैंने कंसीडर किया यहां पर एक लूप L1 और इस लूप के लिए अपने एम्पियर सर्किट लॉ लगा दूंगा। अगर मैं इसके लिए एम्पियर सर्किट लॉ लगाता हूं तो मुझे रिलेशन बनता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स समेशन ऑफ करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। तो इस लूप में से होकर जो करंट जाएगी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वो होगी आईसी और इसका मैग्नीट्यूड का ज्यादा चेंज होगा शुरू में ज्यादा होगा और बाद में कम होते 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 जीरो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये और आगे की बात करते तो मान लो आईसी करंट है आईसी करंट का एक्सप्रेशन ही हो गया इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहां कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर इस इंसुलेटर में
एक लूप कंसीडर करता हूं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट वे में करा रहा हूं जिससे समझने में ज्यादा आसानी रहे। लूप L2, अगर इस लूप L2 के लिए हम एम्पियर सर्किट को लगाएं, यहां लिख दिया मैंने L1 इंटीग्रेशन के नीचे, L2 के लिए लगा दें तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl और L2 इक्वल टू μ0, कितनी करंट है इंसुलेटर में जी, अभी कोई करंट नहीं। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों लूप एक कॉमन सरफेस S का पार्ट है, जिसे सरफेस S, इस सरफेस को तुम इमेजिन करो एक बटरफ्लाई नेट या फिश नेट की तरह, जिसके अंदर इधर से जितनी भी मछलियां या तितलियां जा रही हैं अंदर उन्हीं चीज, तो यहां तक तो समझ में आ रहा है, इसके बाद तो कुछ नहीं करता। तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, कि एम्पियर्स लॉ एक ही सरफेस के एक पार्ट के लिए कुछ अलग रिजल्ट दे रही है और दूसरे पार्ट के लिए कुछ अलग रिजल्ट दे रही है। सेम सरफेस के एक हिस्से के लिए रिजल्ट कुछ और आ रहा है, दूसरे हिस्से के लिए रिजल्ट कुछ और आ रहा है, इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। एम्पियर्स लॉ फेल हो गया यहां पर, वो फेल हो नहीं सकता, ना ही केसीएल फेल हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, फंडामेंटल लॉ, बेसिक लॉ है। केसीएल तो बेसिक लॉ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो ये बात उसको फटकी, किसको, मैक्सवेल। उसने सोचना शुरू किया कोई ना कोई टर्म मिसिंग है, और वो टर्म उसने ढूंढ निकाली, वो टर्म क्या थी, डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने बोला कि यहां पर भी डेफिनेटली कोई करंट होनी चाहिए। हाँ, ये और बात है कि ये सोच पाना उस समय मुश्किल था कि कैसे इंसुलेटर में बिना कंडक्टिंग पार्ट के करंट फ्लो हो रही है। तब उसने लिंक किया कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जहाँ होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वैरी करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका ओरिजिन क्या है, करंट, यानी यहाँ पर भी कोई करंट है। उसको करंट इसलिए कहा गया कि उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली आईसी के बराबर होता है, वो भी सिर्फ उतने ही समय के लिए फ्लो होती है जितने समय के लिए आईसी फ्लो। उनसे एक नंबर में सवाल पूछते हैं, उनको बोलते हैं कि जो कंडक्शन करंट है उसका मैग्नीट्यूड 0.25 एम्पीयर, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0.25। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और बनता है जिसे आगे करेंगे सिमेट्री में। जैसे तुमसे पूछते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सिमेट्री ऐसे पहले से बता देता हूं, अभी पढ़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 मेगाहर्ट्ज, तो बताओ उसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है और जो मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है उनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी कितनी होगी, 5 मेगाहर्ट्ज़ 5 मेगाहर्ट्ज़ और ये भी सिमिलर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको करंट कहना उचित है, सही। और हमें उसका एक्सप्रेशन डेराइव करना, पहले जो बातें मैंने तुम्हें समझाई मैं लिख पाऊंगा और उसके बाद एक्सप्रेशन करेगा। यहाँ पर तुम कंप्लीट कर चुके हो, देख सकते हो। कंसीडरिंग द सर्किट शोन अबव, कंसीडरिंग द सर्किट शोन अबव, इफ वी अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ, इफ वी अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ for the loops L1 and L2, for the loops L1 and L2, comma then we get results 1 and 2, ये दो रिजल्ट मिलेंगे, results 1 and 2 respectively, as the two results obtained are different, as the two results obtained are different but L1 and L2 are part of same surface S, L1 and L2 are part of same surface S,
So this is inconsistency. This is inconsistency in Ampere's law. This is inconsistency in Ampere's law, which was resolved by Maxwell. Stop. Next slide. According to Maxwell, there should be a current in the dielectric medium. Between the plates of capacitor, there should be a current in the dielectric medium between the plates of capacitor, which flows in form of variation of electric field, It is called displacement current, I subscript T. It is called displacement current ID, symbol, and its magnitude is equal to IC. Also, it produces similar magnetic effects. And we can find its expression as करके डैश करो. इसका एक्सप्रेशन कैसे हम पता कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन. एक तरीका है एनसीईआरटी में, एक तरीका है एसए वर्मा में, मैं तीसरा तरीका बता जो दोनों से सिंपल. तो हम जानते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है? कैपेसिटर के प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, हर प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 मिलाकर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. देखोगे नेक्स्ट लाइन, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर शोन will vary. Electric field between the plates of capacitor shown will vary from 0 to its maximum value E. शुरू में चार्ज जब 0 है तो electric field भी 0 है. 0 to its maximum value E, where E equal to sigma upon 2 epsilon 0. और E equal to Q upon E, 2 मैंने गलत लिख दिया, 2 मान लेता हूं, E equal to sigma upon epsilon 0 और sigma की जगह क्या लिख सकता हूं? Q by A. यहां से Q पता कर लो, epsilon 0 A times E. हमारा ऑब्जेक्टिव है करंट निकालना. करंट होती है रेट ऑफ लॉ चार्ज, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. सो I सबस्क्रिप्ट J डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया dq by dt. And how much is dq by dt? Epsilon 0 A times dE by dt. इतना, क्योंकि variable क्या है? Epsilon 0 constant है, A constant है, electric field variable, इसलिए dE by dt. फिर अगर मैं इस A को E के साथ शामिल कर दूं तो बन जाएगा फ्लक्स. कौन सा इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक? मैग्नेटिक का नाम है epsilon 0 times d phi
5 सबस्क्रिप्ट E अपॉन dt. तो ये एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हमको एक्सप्रेशन है, इतनी होती है डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन 0 a d / dt या एप्सिलॉन 0 t 5 e / dt. ये मिलने के बाद एम्पीयर्स लॉ की इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए उसको मॉडिफाई कर दिया गया और उसे अब हम जानते हैं मॉडिफाइड एम्पीयर लॉ के नाम से या एम्पीयर मैक्सवेल लॉ के नाम से. लिखो के लास्ट में 10 मॉडिफाइड एम्पीयर्स लॉ, 10 मॉडिफाइड एम्पीयर्स लॉ विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl इक्वल म्यू 0 टाइम्स ic प्लस id दोनों का सम टोटल करंट. कैसे कंट्रोवर्सी खत्म हुई? अब लगाओ इसको लूप L1 के लिए, यहां पर id 0 है तो रिजल्ट ये मिलेगा म्यू 0 टाइम ic. लूप L2 के लिए लगाओ ic 0 है, ic 0 है तो यहां पे बचेगी id 0 की जगह id बचेगी. फिर हम जानते हैं ic is equal to id, खत्म हो गई प्रश्न. दोनों का रिजल्ट सेम क्योंकि आई को आईडी के बराबर. तो इस तरह से इनकंसिस्टेंसी रिजॉल्व. मैक्सवेल की इसी मैक्सवेल ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समराइज कर दिया चार इक्वेशंस में और उन इक्वेशन को हम जानते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से. वो लिखे चार इक्वेशन. नेक्स्ट है मैक्सवेल इक्वेशन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो चार फंडामेंटल लॉ हैं वही मैक्सवेल के चार इक्वेशंस हैं. मैक्सवेल इक्वेशंस, पहली इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोस्ट फंडामेंटल लॉ. गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम वैसे लिखते हैं फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, पर यहां पर इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे फाई की जगह इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू q inside upon epsilon 0. दूसरा सिमेट्री में चल रहा है तो सेकंड जो फंडामेंटल लॉ है वो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म यानी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज 0. तो e dot d आ गया तो आएगा b dot d. दोनों सिमेट्री में चलेंगे तो ये होगा 0. तीसरा जो रिलेशन है उसमें तुमको थोड़ा सोचना है, एनालिसिस करना है. इट इज फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई. तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई में हम जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है माइनस पाई कौन सा मैग्नेटिक की इलेक्ट्रिक अपना इलेक्ट्रिक तो मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस. अब ये जो ईएमएफ है अगर मैं इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लाना चाहता हूं तो एक रिलेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वोल्टेज V या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टैटिक स्टेट में V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl जहां पर E थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था. और तुम ये भी जानते हो कि अगर ये डायरेक्ट पोटेंशियल है और ये इंड्यूस्ड है स्टैटिक से इसको डायनामिक बना लिया जाए मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो ये टर्म डायनामिक हो जाएगी. अभी तक क्या ये स्टैटिक है ये भी स्टैटिक और जैसे ये वेरी करेगा जैसे यहां वेरी करता है तो ये भी डायनामिक हो जाएगा. ऐसे सिचुएशन में बी और ई को मैं रिलेट करता हूं, एक वोल्टेज है डायरेक्ट वाला और एक है इंड्यूस वाला, तो दोनों में क्या रिलेशन निकल के आता है बी इक्वल टू माइनस ई. आइडियल सिचुएशन जितना अप्लाइड है उतना इंड्यूस है. इन तीनों रिलेशन को अगर तुम कंबाइन करके इंटीग्रेशन की फॉर्म में कोई रिलेशन लिखना चाहो तो वो रिलेशन क्या बनेगा? वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट dl equal to d5 a upon dt. ये बनेगा माइनस नहीं आएगा. एग्री? कोई भी डाउट है पूछ लेना. पर जब तुम NCERT उठाकर देखते हो तो वहां पर ये जो तीसरी इक्वेशन है वो लिखी हुई है इंटीग्रेशन ऑफ e dot dl equal to minus d5 a upon dt. Can you explain? Is it wrong or is it okay? ये माइनस ही पूछ रहा हूँ. माइनस इज ओके और एनसीईआरटी में कल छप के रख लो. एक्चुअली इट इज ओके बिकॉज
ठीक है, यहां से देखे तो प्लस लगता है, लगता माइनस माइनस कट गए, तो ऐसा नहीं, माइनस वन फिर भी आएगा क्योंकि हम इंड्यूस ले रहे हैं डायरेक्ट वाले को नहीं ले रहे। क्लियर? एंड फोर्थ इक्वेशन इज दिस मॉडिफाइड एम्पियर। तो ये चार इक्वेशन है मैक्सवेल, एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, ये हमारे संतोष के लिए हमने रिवीजन कर लिया पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, 5 मिनट भी लगे और पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने रिवाइज कर लिया। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो तुम समझो इस बात को कि इनसे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में चाहिए, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई एंड एम्पियर्स लॉ, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। तो यहां पर ये एक पार्ट खत्म होता है ईएमएस का, अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है हेडिंग ईएमएस का, हेडिंग ईएमएस। तो वेव्स की डेफिनेशन तुमने एग्जाम में पढ़ी थी, क्या उसको मॉडिफाई करके ईएम वेव की डेफिनेशन बता सकते हो? हाउ टू डिफाइन ईएम वेव, हाउ टू बताओ, कौन बताना चाह रहा है व्हाट इज एन ईएम वेव? पानी में पत्थर फेंका, लहरें बनी, क्या बनी? वेव बनी, ट्यूबलाइट चल रही है, इससे रेडिएशन तुम तक पहुंच रहे हैं कैसे? वेव की फॉर्म में सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट बोलते हैं, बल्ब से स्पाइरल वेव फ्रंट, तो तुम तक पहुंच क्या रहे? डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस। हमको क्या टर्मिनोलॉजी चाहिए? डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टर्मिनोलॉजी का रेंज होना पड़ेगा। अगर हमारी टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग है शब्दों का भंडार और वो प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए तो डेफिनेशन बनाना आसान हो जाता है। जैसे तुम्हें याद आ गया डिस्टरबेंस, तो अब तुम डेफिनेशन बना सकते हो। कैसा डिस्टरबेंस? पीरियोडिक रिदम है और क्या बताया है? इसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। इलास्टिक या मैकेनिकल होती तो चलने के लिए मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। अब ये सारा जोड़ के तुम एक सेंटेंस बना सकते हो, दीज आर पीरियोडिक डिस्टरबेंस, दीज आर पीरियोडिक डिस्टरबेंस कॉम विच ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ in form of variation of E vector and B vector, electric field and magnetic field, travel in form of variation of electric field and magnetic field and does not require a medium for their propagation, does not require a medium लिखो या material medium लिखो दोनों चले, does not require a medium for their propagation। तो ये होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पीरियोडिक डिस्टरबेंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की फॉर्म में फ्लो होते हैं। तो याद करो रिसेंटली एलसी ऑसिलेशंस एक आर्टिकल मैंने ओरली बताया था तुमको, उसमें एक इंडक्टर था और एक कैपेसिटर था, क्या कर रहे थे वो? कैपेसिटर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा था, इंडक्टर कैपेसिटर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे थे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, तो यहां पर जो एनर्जी है उसका डिसिपेशन होगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने का डिवाइस बन गया एलसी ऑसिलेटर। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, ये जो पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सोचना कि बिना तार के कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो हिस्ट्री में चार पॉइंट लिखेंगे, सब एडिंग हिस्ट्री, कहां से कौन से साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मेजर कंट्रीब्यूशन किसके साइंटिस्ट का रहा, ये हिस्ट्री हिस्ट्री में चलते। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस दिए, थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया, उसको प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता था ना, उसने कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैथमेटिक्स की मदद से उसने अंदाजा लगा लिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे उसने अंदाजा लगा लिया कि इसमें मिसिंग टर्म है, यहाँ होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का करंट, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सर्किट ब्रेक हो रहा, तो वैसे उसने अंदाजा लगा लिया क्योंकि यूनिवर्स में सिमेट्री है,
तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन होंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा और ये वेरिएशन ट्रैवल करते प्रोपेगेट करते। तो देखो ओके फर्स्ट पॉइंट मैक्सवेल गेव थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस मैक्सवेल गेव थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ EMW Maxwell gave theoretical predictions of existence of EMW to stop according to him time variation in electric field produces time varying magnetic field and vice versa and these variations propagate in space in form of EMW. Maxwell के theoretical predictions को practically verify किया सबसे पहले Hertz ने laboratory में। उसने एक apparatus बनाया जिसका नाम था spark gap oscillator या spark gap transmitter और उसकी मदद से उसने ना केवल EMW को बनाया बनाने के बाद detect भी किया कि हाँ यहाँ पर EM wave exist कर रही है। सेकंड पॉइंट में लिखोगे हर्ट्ज 1887 की बात है। हर्ट्ज यूज्ड एफर्ट्स का नाम लिखो स्पार्क गैप हमारी मर्जी ट्रांसमीटर लिखो या ऑसिलेटर लिखो दोनों ओके हैं। ट्रांसमीटर भी कहते हैं ऑसिलेटर भी कहते हैं। हर्ट्ज यूज स्पार्क गैप ट्रांसमीटर to produce EMW in lab to stop he also detected that using ring detector ring detector दो नंबर में इसका डायग्राम तुमसे पूछा जाता है पुरानी एनसीईआरटी का नई एनसीईआरटी का डायग्राम नई एनसीईआरटी का मतलब 2008 के बाद से जो चल रही है तो उसमें इसका डायग्राम कैसा बनाना मैं बना रहा हूं तुम्हें कॉपी में नोट करना है। पहले सिचुएशन समझो सिचुएशन क्या है उसके बाद डायग्राम सिचुएशन ये है ये कैपेसिटर है और एक इंडक्टर इसका जो एपरेटस है स्पार्क गैप ट्रांसमीटर फिजिक्स में चीजें आसान है स्पार्क गैप ट्रांसमीटर कैसा होगा तुम अंदाजा लगा ऐसा एपरेटस होगा जिसमें गैप में स्पार्क होगा गैप में जो स्पार्क होगा उसको क्या कर देंगे ट्रांसमिट कर देंगे सिंपल। तो एक कैपेसिटर है उसमें दो कनेक्टर लगे हैं कैपेसिटर की प्लेट और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में दो कनेक्टर लगे हैं इन कनेक्टर के बीच में होनी है स्पार्किंग तो स्पार्किंग तब होगी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो डिस्चार्ज होगा क्योंकि बीच की एयर का आयनाइजेशन होगा आयनाइजेशन होने के बाद चार्ज जम करेगा तो स्पार्किंग होगा तो स्पार्क गैप ऑसिलेटर में एक कैपेसिटर होगा और एक इंडक्टर होगा इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए तो है तो ऐसे प्लेट्स पर डायग्राम में कन्वेंशनली ऐसे दिखाई दे हमको भी ऐसे ही बना जैसे दिखाई दे उसको हम चेंज नहीं करेंगे पर समझना कैसे कि वास्तव में कैपेसिटर है तो दो प्लेट बनाओगे एक प्लेट यहां एक प्लेट यहां ये दोनों प्लेट प्रिंसिपली देखा जाए तो कैपेसिटर बनेगा नहीं ओवरलैपिंग एरिया चाहिए पर वास्तव में ये ऐसे फैला के दिखाया वो आमने सामने प्लेट P1 प्लेट P2 इनसे जुड़ी हुई हैं दो नॉब्स N1 N2 इसके बीच होनी है स्पार्किंग स्पार्किंग तब होगी जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे एक
इंडक्शन कॉइल की मदद से. इंडक्शन कॉइल इज नथिंग बट एक इंडक्टर है, जैसे कि ट्यूबलाइट में लगी हुई चौक कॉइल, वो भी क्या है, एक इंडक्शन कॉइल. जैसे चार्ज हो जाएगा तो यहां पे स्पार्किंग होगी, डिस्चार्ज होगा. डिस्चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा क्योंकि चार्ज जंप कर रहा है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ही पढ़ लिया था चार्ज एट रेस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑनली. चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड एक्सेलरेटेड चार्ज नॉट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. यहां चार्ज तक जंप कर रहा है, तो अगर मैं इसे जंप करूं तो दोबारा एक्सेलरेशन होगा जी, यानी एक्सेलरेट होगा तो चार्ज भी एक्सेलरेट होगा. और एक्सेलरेटेड चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो एटमॉस्फेयर में यहां पे स्पेस में आ जाएगी फॉर्म ऑफ ईएम वेव. उनको हर्ट्ज ने डिटेक्ट किया विद हेल्प ऑफ रिंग डिटेक्टर. दिस इज रिंग डिटेक्टर डायग्राम में सिर्फ एक रिंग दिखाते हैं, वास्तव में रिंग के साथ पूरा सर्किट होता है जो ट्यून होता है सेम फ्रीक्वेंसी के लिए. जिस फ्रीक्वेंसी के वेव हम यहां पे जनरेट कर रहे हैं, पढ़ चुके हम, समझ जाओ, समझ गए. ये इंडक्टर ये कैपेसिटर इन दोनों की वजह से जिस फ्रीक्वेंसी के वेव जनरेट हो रही है, अगर हमने इसका सर्किट ऐसे डिजाइन किया है उसमें जरूरत नहीं है किसी पावर सोर्स की, बिना पावर सोर्स के सर्किट डिजाइन कर सकते हैं. वो ऐसा डिजाइन किया है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी है, तो जैसे कि वेव इस तक पहुंचेगी रेजोनेंस होगा, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, रेजोनेंस होगा तो वेव से मैक्सिमम एनर्जी इसको ट्रांसफर हो जाएगी. जब वेव से मैक्सिमम एनर्जी रिंग को ट्रांसफर हो जाएगी तो यहां पर भी स्पार्किंग होगी, और वो स्पार्किंग इस बात को इंडिकेट करेगी कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती. तो इसे डिटेक्ट करो. अब मानने में, सोचने में, समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मतलब हजम नहीं हो रही बात की कैसे स्पार्किंग हो जाएगी जबकि वहां पे कोई पावर सोर्स नहीं है. तो मैं हाजमोला देता हूँ, हाजमोला दो, इसको हजम करो. एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हो वो ये है, पुराना जो टेलीफोन आता था नंबर घुमाते थे, डायल करते थे, उसका जो ईयरपीस होता था, ईयरपीस कान में सुनने वाला स्पीकर, माउथपीस मुंह से बोलने वाला स्पीकर, तो कान में सुनने वाला जो स्पीकर था वो बहुत सेंसिटिव होता था, उसका डायफ्राम बहुत सेंसिटिव होता था. कहीं से वो मिल जाए तो वो स्पीकर निकाल, उसमें दो कनेक्टर रहेंगे. अब शाम के वक्त ऐसी जगह पर जहां शांति हो, छत पे चले जाओ जहां कपड़े सुखाने वाला लोहे का तार बंधा हुआ है, तो ये मेटल तार चलेगा लोहे का होता जाता है. स्पीकर का जो एक तार है उस कपड़े सुखाने वाले तार पर एक जगह जोड़ दो, दूसरा जो तार है उसमें एक लंबा तार और जोड़ लो, उसको हुक की फॉर्म में बनाओ जिसको इस पे स्लाइड कर सको. ठीक, समझ में आ गया कैसा स्पीकर कपड़े सुखाने वाला. अब तुम स्पीकर को कान में लगा लो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, इसमें कोई सेल नहीं है, कोई और सर्किट है, सिंपल स्पीकर. जब तुम इस हुक को स्लाइड करोगे तो तुम डिफरेंट रेडियो स्टेशन ट्यून कर पाओगे, तुम्हें गाने भी सुनाई देंगे, तुम्हें समाचार भी सुनाई देंगे, सब कुछ अलग अलग रेडियो स्टेशन तुम ट्यून कर पाओगे. कहां से एनर्जी, वेव कैसे ट्यूनिंग हो रही है, ये जो वायर है इसका खुद का कुछ कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक कैपेसिटेंस है, कुछ इंडक्टेंस है, उससे इसका इंपेडेंस भी बनेगा. जो भी सर्किट का एल ऑफ सी है उसकी वजह से इस सर्किट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टेड प्रोग्राम वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी. आवाज आएगी तो धीमे पर आवाज आएगी, ऐसा ठीक है. तो इससे हमें लगता है ना एनर्जी होगी और उसमें स्पार्किंग हो सकती है. अर्थ के टाइम पर ही
थोड़ा सा आगे पीछे है। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जैसी को उनके भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और उन्होंने भी लैबोरेटरी में वेव्स बनाई, ना केवल बनाई बनाकर उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट भी किया और हर्ट्ज से ज्यादा दूर तक जा पाने वाली वेव्स बनाई, ऐसी वेव्स बनाई जो हर्ट्ज के कारण जितनी दूर जा रही है उससे भी ज्यादा दूर तक जा इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस, इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस आल्सो प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड ईएमडब्ल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ईएमडब्ल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी greater than that obtained by Hertz, frequency greater than that obtained by Hertz. In lab, जैसे उसका नाम जो है वो प्रसिद्ध है और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं, बायोलॉजी में जो उनका कंट्रीब्यूशन था उन्होंने प्रूव किया था कि पौधों में भी जीवन होता है और उसके पीछे जो कहानी है वो बहुत प्रसिद्ध है। कहानी ऐसे है कि उन्होंने पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन दिया था, इसका तो नहीं दिया पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन, ये तो लैब में एक्सपेरिमेंट किए थे। पौधों में जीवन होता है इसका पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन उन्होंने कैसे दिया, जज महोदय बैठे थे जज करने के लिए, पूरी सभा लगी थी, एक पौधे को लगाया गया, साइलेंट इंजेक्शन उन्होंने तैयार किया। वो ये बताना चाहते थे कि साइलेंट इंजेक्शन जैसे ही पौधे को लगाएंगे पौधा मर जाएगा क्योंकि उसमें भी जीवन है। पौधे को साइलेंट इंजेक्शन लगाया गया, पौधे को कुछ भी नहीं हुआ, तो बचा हुआ सॉल्यूशन वो खुद पी गए ये सिद्ध करने के लिए कि अगर पौधे को कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, मतलब इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई, इसलिए वो कहानी हुआ प्रसिद्ध। बाद में जांच करने पर पाया गया कि वो किसी ने बदमाशी की थी और साइनाइड को हटा के नमक रख दिया था। अब देखने में जो NaCl है और साइनाइड है वो एक जैसे होता है, वाइट पाउडर ही होता है। फिर असली साइनाइड मंगाया गया, असली साइनाइड का इंजेक्शन लगाते पौधा मर गया, तो सिद्ध हो गया पौधों में भी जीवन। ये कहानी है इन दोनों के एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज और जेसी बोस, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट लैब तक लिमिटेड रहे। पहला पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन वायरलेस ट्रांसमिशन का जो दिया उसे दिया मार्कोनी ने। मार्कोनी को सफलता कैसे मिली, मार्कोनी ने कहा कि ये जो एपरेटस दिख रहा है इसमें एक प्लेट को उसने जोड़ दिया एंटेना से, तो मैंने बताया तुम्हें तो समझ में, एंटेना से जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को उसने हर्ट्ज से कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से जो रेंज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो बहुत बढ़ गई, ये ज्यादा दूर तक जा पाई। आज भी अगर तुम्हें किसी भी कॉर्डलेस इक्विपमेंट की रेंज बढ़ाने का तरीका क्या है, उसकी एंटेना की लेंथ बढ़ा दो। तो जो भी तुम कॉर्डलेस इक्विपमेंट खरीदते हो जैसे मोबाइल फोन या कॉर्डलेस टेलीफोन, उसके साथ एक एग्रीमेंट आता है, साफ एग्रीमेंट आता है, कागज आता है और उसमें साफ साफ लिखा होता है यू कैन नॉट आल्टर और मॉडिफाई द लेंथ ऑफ एंटेना। तुम्हें कानून द्वारा बाध्य किया जाता है, बाउंड किया जाता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा आसपास दूसरी फ्रीक्वेंसी पर। ये फैक्ट है, अगर हम एंटीना की लेंथ बढ़ा देते हैं तो रेंज बढ़ जाती। जब मैं 10 से 12 में था तो उस समय एक्सपेरिमेंट किया था, उस समय मोबाइल फोन तो थे, लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करते थे और कॉर्डलेस टेलीफोन आता था जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत मनोरंजक लगता था कि कैसे बिना तार के बात हो रही। तो हमारी कोशिश इसमें रहती थी कि किसका कॉर्डलेस टेलीफोन ज्यादा रेंज कितना दूर तक पकड़ रहा है और कैसे इसकी रेंज बढ़ा ले। जो रेंज आती थी वो कितनी आती थी, 70 से 80 फीट घर घर में काम करता। हम चाहते थे कि सामने पार्क में घूमने जाए वो जेब में डाल के ले जाए और वहां पर वो सिग्नल पकड़े। उस समय टीवी पे लिमिटेड प्रोग्राम आते थे, टीवी में ज्यादा समय नहीं जाता था, क्रिएटिविटी काफी थी। टीवी क्या करता है हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर देता और हमें डम्बे बनाता है, हमारे शरीर में सुस्ती बढ़ जाती है। क्रिएटिविटी जबरदस्त थी तो काफी एक्सपेरिमेंटेशन
किया, तो एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया, टीवी पहले एंटीना से हायर करता था, जिससे ऐसे नहीं एंटीना वर्क करता था, तो टीवी के एंटीना से जो बेस यूनिट का एंटीना था उसको छोड़ दिया। ऐसा करने से जो रेंज 70-80 फीट थी वो कितने हो गई, 100 मीटर। पास के पार्क में भी अब सिग्नल पकड़ लेता। सिर्फ यही तक नहीं किया, इसको उल्टा भी किया, बेस यूनिट को तो डिस्कनेक्ट किया, जो हेडसेट था हेडसेट के एंटीना को छोड़ दिया टीवी के एंटीना से, अपना बेस बंद कर दिया। उस समय जो कोडिंग सिस्टम था बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे अभी आज के टाइम में तो क्या है, जिससे जो तुम सिग्नल देते हो, अगर तुम पैसा नहीं भरोगे, भले तुम्हारे पास डिश एंटीना है, तुम्हारे पास सेट टॉप बॉक्स है, उसके बावजूद सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है, कोडिंग पहले नहीं होती थी, कोडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो मान लो अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले में किसी और के पास सेम कंपनी का सेम कॉर्डलेस टेलीफोन है, सेम मॉडल है, तो क्या होगा, अपने हेडसेट से उसका बेस कैच हो, यानी हेडसेट में डायरेक्ट तो ना जाएगी, अपना बेस ऑफ कर दिया, उसके बाद भी हेडसेट में डायरेक्ट तो ना जाएगी, और डायरेक्ट ऑफ किसकी होगी, पड़ोसी की, तो रेंज इस तरह से बढ़ जाती है। उसके फोन भी रिसीव कर सकते हो, उसकी लाइन से उसके खर्चे पर फोन भी कर सकते हो। वैसे कुछ पुराने सोचते थे उस समय, इसको काफी एंजॉय करते थे, गलत काम तो नहीं करते थे कोई भी, पर एंजॉय करते थे इसको, कि हाँ साइंस इस तरह से इंटरेस्टिंग, कॉर्डलेस सेंसर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो चौथा पॉइंट मार्कोनी के लिए, मार्कोनी गेट सक्सेस, मार्कोनी गेट सक्सेस इन ट्रांसमिटिंग EMW, इन ट्रांसमिटिंग EMW अप टू फ्यू किलोमीटर, ट्रांसमिटिंग EMW अप टू फ्यू किलोमीटर, फुल स्टॉप। He gave public demonstration. He gave public demonstration of transmitting letter S of English alphabet. Transmitting letter S of English alphabet across the Atlantic. Across the Atlantic. In Morse code, in Morse code, US सेना का जनरल था FB Morse, और उस FB Morse ने बनाया था टेलीग्राफ। मैंने अलेक्जेंडर बेन को बोल दिया था कुछ बैचेस में, शुरू में लेक्चर में बताया था, अलेक्जेंडर बेन बोल दिया था, अलेक्जेंडर बेन ने तो क्या बनाया, फैक्स मशीन। FB Morse ने बनाया टेलीग्राफ, जिसमें साथ में व्हीटस्टोन वो शामिल था, और व्हीटस्टोन ने पोस्ट ऑफिस बॉक्स जिस पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था। तो टेलीग्राफ के थ्रू जो सिग्नल जाते थे वो किस पे जाते थे, मोर्स कोड। इसमें कोड लैंग्वेज एक डेवलप की थी। मोर्स कोड कैसा होता है, ऐसा होता है, डॉट का मतलब मानो ए है, डैश का मतलब बी, डॉट फॉलोड बाय डैश का मतलब सी, एंड सो ऑन। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी का कोड बन जाए। तो मान लो लेटर एस के लिए अगर कोड बनाते हैं मोर्स कोड, और वो बनता है सपोज डॉट डैश डैश डॉट, सपोज ये होता है, बहुत सारे कंप्यूटेशन कॉम्बिनेशन बने। तो वास्तव में मार्कोनी ने क्या किया था, मार्कोनी के पास था ट्रांसमीटर, ये डिवाइस, इसमें उसने कुछ सिग्नल जनरेट किया, जिससे रिसीवर जो कि शिप में था अटलांटिक में कुछ किलोमीटर दूर, अटलांटिक महासागर, उस शिप ने रिसीव किया गया सिग्नल, उसमें स्पीकर पे आवाज आई, स्पार्किंग जैसा कुछ नहीं था, स्पीकर पे आवाज आई, कैसी आवाज आई, आवाज आई बी 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 बिप, मतलब डॉट कोरिस्पोंड्स टू छोटा बी, डैश कोरिस्पोंड्स टू लंबा बी, और इस साउंड को डिकोड करके पता लगाया गया कि मार्कोनी ने क्या भेजा है मैसेज, एस। ये पहला वायरलेस ट्रांसमिशन। उसके बाद फिर इसमें मॉडिफिकेशन करके अपने साउंड भेजने की
व्यवस्था हो गई और रेडियो स्टेशन पैनल बीबीसी लग गया, ठीक है, तो कमर्शियल ट्रांसमिशन रेडियो का चालू। तो ये कहानी थी इतिहास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे प्रोटेक्शन, ईएमएस कैसे प्रोड्यूस हो, प्रोटेक्शन। सिंपल सा कंसेप्ट है जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेटेड चार्ज, वी रिक्वायर एन एक्सेलरेटेड चार्ज टू प्रोड्यूस ईएम वेव। ये तो बेसिक, पर हम जानते हैं ईएम वेव जो है रेडियो वेव से लेकर गामा रे तक अलग अलग तरह की होती। रेडियो वेव हाईएस्ट वेवलेंथ और स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी में है, उसके बाद जाओगे तो माइक्रोवेव, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। गामा रे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट वेवलेंथ। तो ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें अलग अलग तरह की वेव को जनरेट करने का मेथड अलग अलग है। हर जगह बेस में क्या है, जड़ में क्या है, मूल में क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज। हर जगह हमें चाहिए तो एक्सेलरेटेड चार्ज, और वो जो चार्ज है वो अलग अलग तरीके से मिलता है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, रेफर करोगे एनसीईआरटी में टेबल 8.2 है, शायद वेरीफाई करो 8.1, तो कुछ और 8.2 है, प्रोटेक्शन बता रही हूँ। बने ठीक, तो यहाँ पे नोट लगा दोगे रेफर टेबल 8.1। तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज मिलेगा कहाँ से, वो हमें समझना है, वो तैयार है। मैं ओरली बता रहा हूँ, तुम्हें जब भी रेफरेंस देखना है तो टेबल से देखो, ओरली याद रह जाएगा, तो कोशिश करोगे। तो ये ऐसी डिटेल है कि तुम्हें आज समझ में आई तो जिंदगी भर के लिए समझ में आई ऐसी डिटेल। अगर हमें रेडियो वेव्स बनानी है तो एलसी ऑसिलेटर का जो अभी भी पढ़ा, तो एलसी ऑसिलेटर या एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो मेरी जेब में डिग्री पड़ी है, ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट कर रही है आपको, रिसीवर रिसीव कर रहा है माइक, तो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना रहा है, और वो कौन सा है, रेडियो वेव्स बना रहा है, और वो रेडियो वेव्स बनाने के लिए इसमें क्या यूज किया हुआ है, एलसी ऑसिलेटर। देखिए एलसी ऑसिलेटर रेडियो वेव्स बना देगा, क्योंकि एलसी ऑसिलेटर में क्या होगा, चार्ज ऑसिलेट करेगा, और चार्ज अगर ऑसिलेट करेगा तो एक्सेलरेशन तो है ही सही, ऐसे चेंज में तुम्हें पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर वाई इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज मैक्सिमम इफ वाई इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड के बराबर ओमेगा स्क्वायर है। फिर अगर मुझे माइक्रोवेव बनानी है तो मुझे कुछ स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होते हैं, जैसे कि क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब। जब भी तुम्हें कोई माइक्रोवेव ओवन दिखे उस पे लगा हुआ लेबल पढ़ना, उसमें लिखा रहेगा क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब या मैग्नेट्रॉन, यह लिखा रहेगा गन डायोड। तो ये तीन डिवाइसेस हैं जो क्या बनाते हैं, माइक्रोवेव बनाते हैं, थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कराते हैं चार्ज को, हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा तो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव बनेगी। माइक्रोवेव की तो है इसमें होती, रेडियो वेव जो है उसका वाइड स्पेक्ट्रम है खुद का, कैसे, वीएलएफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एलएफ लो फ्रीक्वेंसी, एमएफ मीडियम फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा सेंसिबल सुनना, मुश्किल रीडर नहीं, बहुत आसान प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एच एफ हाई फ्रीक्वेंसी, वी एच एफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यू एच एफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, एस एच एफ सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। कुछ किलो हर्ट्ज से स्टार्ट करके कहां तक जाएगा, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी में जाएगा 100 मेगाहर्ट्ज, यानी बोले 10 के पावर 8 हर्ट्ज, और फिर 10 के पावर 8 से जैसे ये पावर और आगे गया 10 के पावर 9 तो क्या हो गया, गीगा हो गया, तो क्या हो गई, माइक्रोवेव। तो कुछ बच्चों का ऐसा लग सकता है पता नहीं डेटा आगे कैसे रटने हैं, याद करने क्या करते हैं, तो अनकंफर्टेबल फीलिंग आ गई, ये क्या हो गया, ये हर्ट्स हो गई, कितने 10 के पावर क्या बनाना भी। पर अगर तुम अपनी फीलिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़े से सेंसिबली सोचो, तो इसमें एक रिदम, एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस पकड़ लो काम हो गया। तो सीक्वेंस क्या है, तुम्हें याद है एफएम क्या है, 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़, और एफएम क्या है, रेडियो वेव। तुम्हें पता चल गया मेगाहर्ट्ज़ इज द ऑर्डर ऑफ रेडियो वेव।
उससे लो पे जाओगे तो शॉर्ट वेव बैंड आता है SW, उससे कम पे जाओगे मीडियम वेव बैंड आता है MW, MW होता है किलोहर्ट्ज़ में, शॉर्ट वेव होता है किलोहर्ट्ज़ से ऊपर चला जाओ फ्यू मेगाहर्ट्ज़, 30 to 40 मेगाहर्ट्ज़। ये डिटेल में रिवाइज करा दूंगा पूरी और लिखवा दूंगा कि इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर। अब ये कोशिश करो कि थोड़ा इसमें जितना डिटेल कर पाओ अच्छा है। तो 30 to 40 मेगाहर्ट्ज़ तक जाता है मैक्सिमम SW। फिर उसमें हम अगर इसमें आ गए FM में आ गए तो 88 से 180 मेगाहर्ट्ज़ और थोड़ा ऊपर चले जाएंगे। ये जो चल रहा है ट्रांसमिशन, मैं जो बोल रहा हूँ इससे इसमें से बात करते, या जो टेलीफोनिंग सेटेलाइट तक जा रहा है वो जाता है गीगाहर्ट्ज़ भी यूज करते हैं, माइक्रोवेव भी यूज करते हैं, और ये बाउंड्री लाइन पर ये है 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़। तो 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़ लगभग बाउंड्री पर पहुंचते गीगाहर्ट्ज़ में पहुंच गए, यहां रेडियो वेव का एंड होता है और किसमें हो जाती है माइक्रोवेव। तो जो टीवी है वो इस रेंज में आता है, टीवी किस रेंज में आ जाएगा 800 900 मेगाहर्ट्ज़। 100 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्टिंग होती है अलग-अलग चैनल, 900 तक जाते हैं। फिर उसके ऊपर आ गए माइक्रोवेव गीगाहर्ट्ज़, माइक्रोवेव से ऊपर जाएंगे तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कैसे पैदा होगी, हीट रेडिएशन है, हॉट बॉडी हॉट ऑब्जेक्ट्स इंफ्रारेड निकालेंगे, सबसे मैक्सिमम इंफ्रारेड की फॉर्म में आ रहे हैं, जब अर्थ गर्म हो जाती है तो अर्थ की इंफ्रारेड एमिट करती है, पर अर्थ का टेम्परेचर सन के कंपैरिजन में बहुत कम है तो अर्थ जो इंफ्रारेड एमिट करती है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है तो एटमोस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाती है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये सारे डिटेल्स चैप्टर में, एक भी बात फालतू नहीं बोल रहा हूँ, सब एक एक वर्ड का। तो इंफ्रारेड रेज होती है मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस ऐसा बोलते हैं, या फिर तो अगर इसको लिंक करना चाहो केमिस्ट्री में पढ़ोगे या फिजिक्स में पढ़ोगे, या केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लिंक करो सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में अगर तुम्हें मिल रही कौन सी सीरीज बाबर के बाद की मार्शल ब्रैकेट फोर्ड तो क्या मिलेगा इंफ्रारेड, विजिबल में आ जाओ बाबर सीरीज, अल्ट्रावायलेट लाइनर सीरीज, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का जंप कर रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, तो वहां से ये सारे वेव्स निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन से कुछ विजिबल में कुछ इनविजिबल में। फिर आओ बोर्ड में एक्सरे, तो एक्सरे बोर्ड में तो खाली यहीं पर सिलेबस में इंट्रोडक्शन लेवल तक, पर एक्सरे इस कंपटीशन में तुम्हें पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो एक्सरे में यूं समझो कि एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जाकर हैवी मैटर में मौजूद दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उसको अपनी एनर्जी इम्पार्ट कर देता है, उस एनर्जी को लेकर वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, वहां से जब वापस लौटता है तो एक्सेल ऑफ एनर्जी जनरेट कर देता है फॉर्म ऑफ एक्सरे। ये एक्सरे के प्रोडक्शन की टेक्निक होगी, वहां पर भी क्या एक्सेलरेटेड चार्ज है। गामा रे की बात करें तो गामा रे में पिक्चर और डिफरेंट होगी थोड़ी सी, पर वहां पर भी चार्ज तो एक्सेलरेटेड होगा। उसमें क्या होता है रेडियो एक्टिविटी आती है, अगर कोई न्यूक्लियस अल्फा या बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो ये न्यूक्लियस हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं अल्फा बीटा एमिट करने पर। तो इसको वापस अगर ग्राउंड स्टेट में आना है तो क्या एमिट करना पड़ेगा गामा रे। तो न्यूक्लियस की भी स्टेट्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की होती है, तो हाई एनर्जी स्टेट में अगर कोई न्यूक्लियस है क्योंकि वो अल्फा या बीटा एमिट करके वहां चले गया है तो वहां से वापस लौटने के लिए उसको एमिट करना पड़ेगा गामा। तो इससे ये भी कंसेप्ट बनता है कि गामा एमिट होने से पहले अल्फा या बीटा निकलता है उसके बाद गामा निकलता है, क्लियर। तो गामा रे से तो प्रोडक्शन की हमने सब डिटेल ऑलरेडी डिस्कस की, ये हो गया प्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट स्टडी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दो तरह की प्रॉपर्टीज है, एक तो क्वेश्चन बनता है दो नंबर का हमसे बोलते हैं राइट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ BMW, बिलो एवरेज क्वेश्चन बनता है राइट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ BMW। तो तुम सिंपल सिंपल छोटी छोटी वाली चार पॉइंट लिख लो, चार प्रॉपर्टीज लिख लो, क्या दीस ट्रैवल द स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, और या दीस आर ट्रांसफर इन नेचर, दीस कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हो गई। और क्या बन जाएगी तो मैंने बोल दिया, तो ऐसी ये जो छोटी वाली प्रॉपर्टीज है वो तो लिखते हैं दो नंबर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी भी है जिसमें हमें समझना है, वो मैं सारे लिखा रहा हूं सीक्वेंस लिखोगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑल ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर,
ट्रांसफर्स इन नेचर. कैसे पता चला? एक फिनोमेना होता है पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं. तो पोलराइजेशन सिर्फ उन्हीं का हो सकता है जो ट्रांसफर होती है नेचर. तो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है, इसका मतलब वो कैसे ही नेचर में ट्रांसफर. तो ब्रैकेट में लिखोगे वेरिफिकेशन इज डन बाय पोलराइजेशन. ट्रांसफर्स नेचर का वेरिफिकेशन होता है पोलराइजेशन से. वेरिफिकेशन इज डन बाय सेकेंड पॉइंट हो गया. ऑल एयर वेव्स ट्रैवल विद सेम स्पीड. ऑल एयर वेव्स ट्रैवल विद सेम स्पीड. सी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर. सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेम स्पीड से चलती हैं वैक्यूम और एयर, और वो स्पीड इतनी होती है. ये जो एक्सप्रेशन लिखा वो ये फील दिलाने के लिए लिखा कि जो हम ऑप्टिक्स की तरफ जा रहे हैं ये ऑप्टिक्स की साइड आ रही है. ये और बात है कि मॉडल फिजिक्स में पढ़ना शुरू करूंगा इसके बाद, पहले ऑप्टिक्स नहीं होगा. ऑप्टिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लिंक कर रहा है फैक्टर. तुम देख रहे हो ये मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर है, ये मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर है, और ये सी जो इसमें आता है रिफ्रैक्टिवनेस में आता है. रिफ्रैक्टिवनेस होता है सी अपॉन वी. तो ये रिफ्रैक्टिवनेस होती है मीडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का लिंक हो जाता है किससे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. कैसे होता है इसको भी आगे निकालें. यहां से जो समझना है कि वेव कोई सी भी हो, ईएम वेव सब सेम स्पीड से चलेंगी वैक्यूम और एयर में. तो वैक्यूम और एयर वो होते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम. पर अगर हम बात करें पानी या कांच की, तो पानी और कांच बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम. पानी और कांच में लाल रंग तेज चलता है, नीला रंग धीरे चलता है, माई स्पीड अलग होता है. अगली प्रॉपर्टी लिखने से पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन समझो. तुमसे एक सवाल पूछा जाता है एक नंबर में, व्हाट इज कॉमन इन ऑल ईएम वेव्स. तो जवाब में तुम इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो. तुम लिख सकते हो ऑल ट्रांसफर्स इज कॉमन. तुम लिख सकते हो ऑल ट्रैवल विद सेम स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम और एयर. एक नंबर का सवाल आया हुआ है. अब तीसरी प्रॉपर्टी तुम लिख सकते हो, ईएम वेव्स हैव एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम. इनमें एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है. ईएम वेव हैज एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम. अब जब जिसमें मोमेंटम होगा वो जाकर किसी पर गिरेगा, किसी दीवार पर, किसी सरफेस पर, तो सरफेस का मोमेंटम भी चेंज होगा. जैसे बॉल दीवार पर फेंककर मारते हो तो 2m भी चेंज होगा. तो फोर्स लगेगा और फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर प्रेशर लगेगा. अब ये प्रेशर लग रहा है रेडिएशन के कारण, तो इसको हम नाम देंगे रेडिएशन प्रेशर. सो दे अप्लाई रेडिएशन प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन व्हिच these make the incident, they apply the radiation pressure on surface on which these made to incident. Bracket में लिखना U by C. Verify करके बताओ कि अगर मैं energy की dimension को speed की dimension से divide करूँ तो किसकी dimension बनेगी, क्या pressure की dimension बनेगी? ML2T minus 2 upon LT minus 1. क्या बना? ML2T minus 1. Pressure बना क्या? नहीं बना. पर अगर ये मैं ले रहा हूँ energy per unit area, per unit area लिया तो नीचे क्या आ गया? L2 आ गया. अब क्या बना? ML minus 1, T minus 1. अभी भी pressure नहीं बना. प्रेशर कैसे बनेगा? पर यूनिट टाइम और दिया है. तो बेसिक से करा हूं, मान लो हमें कुछ नहीं आता पर फंडामेंटल हमारे क्लियर है, तो रटने की कोई जरूरत नहीं. ये तरीका एनालिसिस का क्या सही है क्या गलत है. तो तुमने कहीं फॉर्मूला याद रखे तुम्हारी मेमोरी में, P इक्वल टू U बाय C, दिस इज रेडिएशन प्रेशर. अब जानना चाहते हैं रेडिएशन प्रेशर होता क्या है. तो U बाय C, तो U बाय C जो U है एनर्जी दिखती है और C स्पीड दिखती है स्पीड ऑफ लाइट. तो उससे तो नहीं आ
पर अगर मैं टाइम से और डिवाइड करूं तो बात बनेगी, तो ये क्या बन गया, ये एनर्जी नहीं है, ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। रेडिएशन इंटेंसिटी कह सकते हो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको जब से डिवाइड करो तो बनेगा रेडिएशन प्रेशर, तब प्रेशर की यूनिट आएगा। तो ये कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें अपने आप तैयार करना है, बोर्ड में नहीं आना, तुम्हारे कॉम्पिटिशन के लिए है, रेफर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा, तुम्हें अपने आप तैयार करना दिस पार्ट। और यहाँ पर इन टर्म से और फैमिलियरिटी बढ़ाने तुमको डेफिनेशन तैयार करनी ढूंढ के पॉइंटिंग वेक्टर नोट कर दो रेफरेंस में, POYNTING पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर अपने आप डेफिनेशन तैयार करो, पॉइंटिंग वेक्टर रिलेटेड है किसी से रेडिएशन प्रेशर वो तैयार। तो हमने पढ़ा रेडिएशन प्रेशर होता है, तो सवाल उठता है ऐसा क्यों नहीं होता कि जब कैमरा से तुम्हारी फोटो खींची जाती है तो जब फ्लैश चमकता है तो एक आवाज आने से धड़ा और तुम गिर जाओ बिकॉज ऑफ रेडिएशन प्रेशर, ऐसा नहीं होता क्योंकि वो प्रेशर बहुत ही इवन हम महसूस भी नहीं कर पा, महसूस करना है तो भी क्या करना पड़ेगा, धूप में जाकर बैठना पड़ेगा, एक तो उसकी गर्मी महसूस होगी तो पता चलेगा एनर्जी है रेडिएशन में, और अगर तुम्हारी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर तुम महसूस कर पाओ कि हाँ रेडिएशन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। तो प्रेशर जैसा तो नहीं पर वैसा ही कुछ फीलिंग में बताता हूँ प्रेशर की फीलिंग कैसी होगी। वो जो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब वाला टेलीविजन होता है जो लंबे समय तक चल रहा है, 3-4 घंटे चल चुका है, उसकी स्क्रीन के आगे हाथ ले जाओ तो वहां पर तुम्हें महसूस होगा, और रेडिएशन प्रेशर भी ऐसे महसूस, वो है नहीं रेडिएशन प्रेशर, वो तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर रेडिएशन प्रेशर भी ऐसा ही महसूस कर सकते हैं, ऐसा ही होगा फीलिंग सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन एन ईएम वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट्स ई वेक्टर एंड बी वेक्टर वाइब्रेट्स इन परपेंडिकुलर प्लेन्स, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर वाइब्रेट्स इन परपेंडिकुलर प्लेन्स कॉमा आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन कॉमा आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन एज शोन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर क्या लिखा आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन एज शोन। तो एसएस क्या है, इसका भाव समझा लो और अंग्रेजी अपने आप बनाने की कोशिश किया करो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं और ये जो है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर, मान लो वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक वेक्टर इस प्लेन, मैग्नेटिक वेक्टर इस प्लेन, तो इसको बनाकर दिखा रहे हैं। तो जो डायग्राम एनसीईआरटी में एग्जांपल वही बना रहा हूं, इधर हमने लिया जेड एक्सिस, इधर लिया एक्स और इधर रुका हुआ है, सीक्वेंस ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज वाइज है, ये ओरिजिन है, इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में एक्स जेड प्लेन में, यानी इसका एम्पलीट्यूड एक्स डायरेक्शन में और एक्स जेड प्लेन में, उसको मैंने ऐसे दिखाया साइनसोइडल वेरिएशंस, साइनसोइडली वेरिएशंस। तो मैग्नेटिक वेक्टर कैसे हुआ, वाई डायरेक्शन में, वाई जेड प्लेन। डायग्राम में हम यहां पे स्पेशल इफेक्ट लगाते हैं, स्पेशल इफेक्ट इन द सेंस ये वाइब्रेशन हमें ऐसे दिखने चाहिए, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर का तो मैग्नेटिक वेक्टर का वाइब्रेशन इस प्लेन में ऐसे, फिर अगला यहां पे क्या होगा, नीचे जाएगा इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर अंदर, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो वो दिखने के लिए हम इसको थोड़ा तिरछा करके बनाते हैं इंक्लाइन डायग्राम में, ऐसा लगे स्पेशल इफेक्ट।
इसमें मार्किंग करोगे, ये बताओगे ये है ई, ये है बी, और बताओगे डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ये डायग्राम पूछा है एक बार बोर्ड में, दो नंबर। इसके साथ में इनके एक्सप्रेशन भी लिखोगे। तुमने जब पढ़ा था एसएचएम, तो तुम्हें बोला एसएचएम का एक्सप्रेशन बोला वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सिटी आता था। पर जब एसएचएम से प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बनाई तो उसमें टी के साथ साथ पोजीशन एक्स भी आ गई। तो यहाँ अगर मैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेरियंस वेव है जो चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर इक्वेशन लिखता हूँ तो बनेगी ई चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, ई एस वो होगा ई जीरो पीक वैल्यू साइन पीक वैल्यू है एम्पलीट्यूड क्या सकते हो। अब यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई फॉर्मेट होते हैं हमारे पास ओमेगा के 2/8 लैम्डा अलग अलग फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम ओमेगा और के वाला फॉर्मेट ले रहे हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा या के टी माइनस ओमेगा एक्स होगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन नहीं हो, अगर किसी की थ्योरी क्लियर है, मान लो कि ये बेस चैप्टर जो था 11 का वो अच्छे से तैयार किया हुआ है, तो ठीक है तुम लिख सकते हो सही से। पर अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो याद रखने का सिंपल सा मेथड है, एबीसीडी में के और डब्ल्यू में कौन पहले आ रहा है, तो यहाँ पर भी के पहले आ रहा है। Z direction में जा रही है तो Z, positive Z direction है तो यहाँ आएगा minus, negative Z direction होगी तो plus, ये question। B Y, Y direction, B zero sine K Z minus omega t, ये तुम्हें पता है propagation constant होता है, पूरी थ्योरी वैसे के वैसे लग जाती है जैसे वेव्स चैप्टर में लाभ में तुमने पढ़ी थी। केस टू पाई बाय लैम्डा हम सबसे लिख कर सकते हैं, ओमेगा हम सबको आपस में लिख कर सकते हैं। तो जब तुम सॉर्ट एग्जांपल करोगे एनसीईआरटी के तो वो क्लैरिटी आ जाएगी उसमें कैसे लिंक करना है, पर इसमें न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम पूछेंगे यार कभी ये नहीं पूछो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। इस प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी, टी और बी के बीच क्या रिलेशन होता है, ईएम वेव के लिए देखो इन एन ईएम वेव ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिलेटेड एज, इन एन ईएम वेव ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिलेटेड एज, ये रिलेशन होता है ई जीरो अपॉन बी जीरो इक्वल टू सी बी का जो उसका जो रेशियो होता है सी के बराबर। सी तो तब जब ए और ए वैक्यूम में कोई मीडियम है तो बी ब्रैकेट में एक और रिलेशन यहां आप क्या डिराइव करो आप। अच्छा ये रिलेशन से इसको लिंक करते हैं क्या बी लाना चाहिए, तुमने एक आर्टिकल पढ़ा था जो तुम्हें पढ़ा था हाँ वेलोसिटी सिलेक्टर, तो वो तुम्हें बी लाना चाहिए वेलोसिटी सिलेक्टर में तुमने पढ़ा था अगर ई बाय बी इक्वल टू बी हो जाए तो पार्टिकल सीधा चले जाता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये हम जानते हैं कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट होती ना मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट होती, ये भी सीधी जाती है। तो जब ये सीधी जाती है तो इनके लिए सिमिलर रिलेशन सिमिलर फॉर्मेट का रिलेशन वैलिड है। नहीं जो रिलेशन पहले बोल रहा था वो डिराइव कर रहा हूँ उसको यूज करते हुए, रिफ्रेक्टिव टेस्ट को मैंने एन से देखा है क्योंकि म्यू से परमिटिविटी को दिखाऊंगा। एन होता है सी अपॉन बी ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के साथ, तो सी की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो 1/√2 ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और बी के रखता हूं म्यू एम एप्सिलॉन एम, फिर हम जानते हैं म्यू एम अपॉन म्यू जीरो इज म्यू आर एंड एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज एप्सिलॉन आर, तो ये रिलेशन बनता है तुमसे दो नंबर में पूछा गया बोर्ड में रिलेट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद डायरेक्टेड कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का डायरेक्टेड कांस्टेंट कैपिटल के एप्सिलॉन आर इस कैपिटल के उसके साथ ये रिलेशन। तो दिस इज हाउ ऑप्टिकल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर लिंक्ड। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें जिसमें विजिबल पार्ट की बात करें जो होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक वायलेट टू रेड, लोअर टू हायर फ्रीक्वेंसी जाएं
इलेक्ट्रिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले ही कम और ज्यादा हो पर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल होता है, यानी जो एनर्जी डेंसिटी होगी आधी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में आधी होगी मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगली प्रॉपर्टी में उसी फैक्ट को शामिल कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन एन ईएम वेव, इन एन ईएम वेव एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दस कोरिस्पोंडिंग एनर्जी डेंसिटी, दस कोरिस्पोंडिंग एनर्जी डेंसिटी। यूजर दिख रहे हैं, ये होगी U सबस्क्रिप्ट E प्लस U सबस्क्रिप्ट B, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लस मैग्नेटिक एनर्जी U E प्लस U B, क्योंकि बराबर है तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ U E ट्वाइस ऑफ U B, ऐसे लिख सकता हूं, ये दोनों बराबर। अब मैं इनके इंडिविजुअल एक्सप्रेशन में लिखते हैं। अब U E कितना होगा, U E होगा हाफ एप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर, कहाँ पढ़ा था हमने कैपेसिटर के पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर, पर हम जानते हैं कैपेसिटर में E कांस्टेंट था, यहाँ तो कांस्टेंट नहीं था, यहाँ तो कैसे साइन बढ़ ले यही कर, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है ये एवरेज होनी चाहिए। अब इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, हम क्या करते हैं शॉर्टकट मारते हैं यहाँ पे। तो ये मान लो ये आरएमएस के इक्विवेलेंट है, तो आरएमएस के इक्विवेलेंट मान लो तो ई की जगह लिख सकते हो ई जीरो बाय टू, लॉजिकली गलत है, जो मैं बोल रहा हूँ लॉजिकली गलत है, दिस इज नॉट आरएमएस, दिस इज एवरेज। तो आरएमएस अगर मैं मान लेता हूँ तो मैं इसको ई जीरो बाय टू लिखता हूँ, ई जीरो बाय टू लिखता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट होकर मुझे मिलता है वन बाय फोर एप्सिलॉन जीरो E zero square, और मेरा काम इससे चल रहा है। ये expression चाहिए जो इस format जिसमें P वाला हो रहा है, मैंने बाय रूट टू रखा, रूट टू का square टू आया तो ये वन बाय फोर। Similarly कोई inductor अपने अंदर magnetic energy store करता है तो next expression दे रहा है क्या होगा, half Li square, अगर half Li square को तुम divide कर दो उसके volume से area to length तो क्या बचा, तुम्हारे पास आएगी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन इंडक्टर हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो, पर बी तो वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है तो यहां पर भी सेम लॉजिक लगेगा और ये मिल जाएगा मुझे 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन बी जीरो स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हमें फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, कभी हमें पीक वैल्यू दी होती है ई जीरो दिया होता है बी जीरो पूछते हैं तो बी जीरो निकालने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। अब हमें पढ़ना है ईएम स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ा देर पहले दिया था, रेडियो वेव से स्टार्ट करके कहां तक जा रहे हैं गामा रेज। तुमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे तुमसे बोला पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम यूज्ड टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन आइडेंटिफाइड, पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम यूज्ड इन प्यूरिफाइंग वाटर आइडेंटिफाइड, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हें सबके यूजेस पता होने चाहिए, टेबल इसमें मदद करेगी, पैराग्राफ लिखे हुए एनसीईआरटी में वो भी मदद करेंगे, फिर भी मैं कुछ डिटेल लिखवा रहा हूँ। ईएम स्पेक्ट्रम में डाटा लगा के हो इट इज वेवलेंथ वाइज और फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंजमेंट, इट इज वेवलेंथ वाइज और फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंजमेंट ऑफ ईएम वेव्स। तो अगर सारी ईएम वेव्स को वेवलेंथ के क्रम में या फ्रीक्वेंसी के सीक्वेंस में जमा दें तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसमें याद रखने का तरीका मैं बताया मैं तुमको, रेडियो वेव्स कहां तक गई, गीगाहर्ट्ज़ से पैदा होती है, गीगाहर्ट्ज़ में आए तो माइक्रोवेव पे आ गए, अब उससे ऊपर जाओगे माइक्रोवेव के ऊपर क्या आ जाएगा इंफ्रारेड आ जाएगा, थोड़ा सा 100 पावर और बढ़ा दो तो
इंफ्रारेड आ जाएगा, इंफ्रारेड से ऊपर जाओगे फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो 7 से वही है 7 और 4 7 का 10 की पावर 14 फ्रीक्वेंसी वाला तो 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी आपको मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, हमें फार्मूला तो पता है C इक्वल टू म्यू लैम्डा, तुम लैम्डा याद रख लो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर रेड टू बॉयलर टेंट में आगे। अब इसके बाद क्या है अल्ट्रावायलेट, तो जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होगी वो क्या होगी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट पता चल गया। एक्सरे का याद कर लो, एक्सरे का याद करना आसान है, एक्सरे जो होता है वो एंगस्ट्रॉम मिनट के ऑर्डर का होता है, एक्सरे की वेवलेंथ ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम मिनट, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 है, एक्सरे हो गया। उसके बाद गामा है, अब एक्सरे में भी एक होती है सॉफ्ट एक्सरे हार्ड एक्सरे वो तुम पढ़ोगे, पर हमें उस डिटेल में जाना, हम सीधे जाएंगे एक्सरे की अगर 100 टाइम्स हो गई क्या चीज फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हो गई 1/100 तो क्या बन जाएगी गामा है। ऐसे ही आप और कुछ कुछ जगह पर लिंक भी बनेंगे जिससे तुम याद रख पाओगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस पता होना चाहिए। सर यूजेस ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, यूजेस लिखने वाले यूजेस ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, फर्स्ट रेडियो वेव्स, रेडियो वेव की रेडियो वेव्स में डायरेक्ट आवर के होंगे used in radio telecommunication and radar, radio and telecommunication and radar, radar ऐसे लिखा जाए capital, और इसकी full form में आनी चाहिए R A से बनता है radio, D से बनता है detection, A से and और R से ranging, radio detection and ranging। हवा में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स हमारी तरफ आ रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं, डॉप्लर इफेक्ट इस्तेमाल करके रडार के थ्रू पता लगा, तो रडार ये डिटेक्ट करता है कितनी स्पीड से हमारी तरफ आ रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं कोई एरोप्लेन या कोई उड़ने वाला। सेकंड माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या होता है, जहां पर भी कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस पर करना है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, और ज्यादा एनर्जी किसमें होगी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वेव में इक्वल टू एक्शन, और रेडियो वेव से हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है माइक्रोवेव। देखो यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस रडार, यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस रडार। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक यूज तुम जानते हो माइक्रोवेव ओवन में, तो देखोगे आल्सो यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, इस पे शॉर्ट नोट पढ़ लेना एनसीईआरटी में ब्लू बॉक्स में। माइक्रोवेव ओवन की खास बात यह है कि खाना गर्म होता है बर्तन गर्म नहीं होता, क्योंकि जो माइक्रोवेव हम इसमें यूज कर रहे हैं गन डायोड से प्रोड्यूस कर रहे हैं या क्लाइस्ट्रॉन ट्यूब से प्रोड्यूस कर रहे हैं या मैग्नेट्रॉन से, वो माइक्रोवेव जो है गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की होती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके रोटेशनल फ्रीक्वेंसी वो भी क्या होती है गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर की होती है। तो जब माइक्रोवेव भेजते हैं ऐसे खाने में जिसमें मॉइस्चर मौजूद है पानी मौजूद है, चाहे वो तेल घी के रूप में हो या डायरेक्ट वाटर के फॉर्म में हो, सिर्फ वही खाना पकाया जा सकता है माइक्रोवेव में, ऐसा खाना नहीं पका सकते जिसमें मॉइस्चर नहीं हो। तो ये जब वेव वहां जाती है तो उसमें मौजूद पानी को मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा देती है वायलेंटली, इतना तेज से वो वाइब्रेट होते हैं कि वो गर्म हो जाते हैं, तो यूं समझ लो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हीट निकलती है, इसमें वाटर खत्म हो जाता है पानी कम होता जाता है खाने का, और उसकी वजह से पूरा का पूरा खाना गर्म होता है। ठीक, तो ये माइक्रोवेव ओवन के काम करता है। पोर्सलेन का बर्तन लेके वो गर्म नहीं होगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल साइज में डिफरेंट होते हैं और मैचिंग करते फ्रीक्वेंसी मैचिंग तो रेजोनेंस नहीं होगा। तुमने देखा क्या वार्मिंग एंड कुकिंग फूड ऐसा लिखा लिखा इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग एंड वार्मिंग फूड, और कुकिंग एंड वार्मिंग फूड लड्डू बने घर में आज खाओगे तो टेस्ट अलग आएगा अच्छा आएगा, दो दिन बाद खाओगे तो टेस्ट थोड़ा सा डिटोरिएट हो जाता है, और अगर तुम चाहते हो वही टेस्ट आए तो माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके खाओ, सेम टेस्ट आएगा जिस दिन बने थे वाला टेस्ट।
कचोरी आज नहीं खा पाए, तो खाली चार लाए थे, तो बचे भी फ्रिजर आ गए। जल्दी खाने माइक्रोवेव में गर्म करके खाओ, टेस्ट सेम आ रहा है। न्यूट्रिएंट्स तो कम होंगे नो डाउट, टेस्ट में डिटोरेशन नहीं होगा। इसके बाद अगली है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में पहला पॉइंट एल को हमें पता है इंफ्रारेड की वेवलेंथ चार होता है, किससे? रेड से। इंफ्रारेड क्या काम आएगी? एक तो सेव करने के काम आती है, हीट रेडिएशन यूज्ड टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, मोच आ गई, कमर में दर्द है, साइटिक आ रहा है या कोई सा भी दर्द है, तो सेव करना है तो इंफ्रारेड ही कर। यूज्ड टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन फिर बी हो गए, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ऑप्टिक्स में तुम्हें एक पिलाना है, तो स्कैटरिंग रिलीज स्कैटरिंग क्राइटेरिया ये था कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और स्कैटरिंग कम होगी स्कैटरिंग मतलब छिद्र आ जाना, जिधर तिधर हो जाना, तो कम स्कैटर होगी तो दूर तक सीधी जाएगी, तो इंफ्रारेड दूर तक सीधी जाती है, दूर तक सीधी जाती है, तो रात्रि में देखने के जितने भी उपकरण है नाइट विजन डिवाइस उसमें क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड। These are used in night vision devices. धुंध धुएं कोहरे में देखना है तो भी इंफ्रारेड यूज करें। These are used in night vision devices. सी लिखोगे used to reveal यानी obtain करना या read करना भी ले सकते हैं, used to read या used to reveal secret writings on ancient walls, पुराने जो शिलालेख हैं दस्तावेज हैं उन पे धूल मिट्टी की इतनी मोटी परत जम गई है कि धूल मिट्टी साफ करो तो डर है कि वो लिखा हुआ ना मिट जाए, तो हम धूल मिट्टी साफ ही नहीं करते, इंफ्रारेड डाल के पढ़ लेते, इंफ्रारेड पेनिट्रेट कर जाती है, इंफ्रारेड रीडर आता है उससे तुम ऐसे सभी दस्तावेज पढ़ सकते हो। मान लो तुम्हारे पास बहुत पुराना कागज है लिखा हुआ साफ नहीं दिख रहा, पर अगर उसको तुम साफ करने की कोशिश करो तो पॉसिबल नहीं, तो स्मार्टफोन में ऐप आता है इंफ्रारेड रीडर उससे पढ़ सकते हो। और क्या एप्लीकेशन है? नेक्स्ट देखो किसी में अगला पॉइंट किसी का, दीज प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ एट नाइट, हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ एट नाइट, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करती, नहीं तो रात में क्या होगा चंद्रमा की तरह माइनस में चल जाता टेम्परेचर जब सब नहीं होता, तो कौन मेंटेन करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के विजिबल, नेक्स्ट अगला कंपोनेंट विजिबल में ये लिखोगे टू सी कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, आसपास की रंगीन दुनिया देखें, टू सी कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, भी लिखोगे इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में visible radiation use होते हैं, photochemical reactions. C लिखोगे in PEE photoelectric effect भी visible radiation से होता है, ultraviolet भी use करते हैं पर visible से होता है, तो ये visible भी use होते हैं। अगला component आ गया UV ultraviolet, ultraviolet की बहुत सारी applications हैं, ultraviolet में special properties होती हैं, germicide, pesticide, fungicide, fungus खत्म करता है, germs kill करता है, bacteria kill करता है, देखो it acts as germicide, pesticide, fungicide and kills bacteria, germicide, pesticide, fungicide and kills bacteria, so used in water purifier house. जितने भी पानी साफ करने की मशीनें आती हैं एक्वागार्ड वगैरह उनमें यूवी चैम्बर होता है जिसमें से पानी को बुझाना जाता है बैक्टीरिया को खत्म करने। अभी जो धूप निकल रही है श्राद्ध पक्ष में बारिश के बाद, इसमें हम बिस्तर कपड़े धूप लगाते हैं जिससे उसमें जो भी फंगस जर्म्स बैक्टीरिया डेवलप है वो खत्म हो जाए, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो धूप में है वो खत्म कर देती है, तेज धूप तीखी धूप निकल रही है। स्टरलाइजेशन का काम भी करती है, नेक्स्ट पॉइंट इस पे लिखो
used to sterilize surgical instruments. पहले तो आते आते करके उबाला पड़ता था कैंची चाकू को ऑपरेशन के बाद, अब उबालते नहीं है, दो पहुंच कर यूवी चैम्बर में रख देते हैं। used to sterilize surgical instruments. और क्या काम आएगा? used to check false currency, जाली नोट, पहचान किससे करेंगे? अल्ट्रावायलेट डालकर। नोट में क्या देखते हैं? ऑप्टिकल फाइबर नजर आते हैं इसमें नोट में, जैसे मान लो सबसे ज्यादा साफ नजर आते हैं गांधी जी का जो चित्र होता है वहां पर, इस तरह के टेढ़े मेढ़े फाइबर्स वो नजर आते हैं। कब? ऐसे नहीं देखेंगे, कैसे भी कोशिश कर लो, यूवी लाइट डालोगे तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके री रेडिएट करते हैं वेवलेंथ बढ़ाकर, वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो विजिबल में आ जाएंगे, हम देख पाएंगे, पता चलेगा नोट असली कागज पे छपा हुआ है, यानी नोट असली। फॉल्स करेंसी एंड फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, जाली, FORG, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, जाली दस्तावेज किसी ने बना लिया नकल करके, उतने ही पुराने हैं या नहीं, जांच कैसे होगी? यूवी लाइट से पिक्चर आई थी शायद, उसमें था अभिषेक बच्चन और उसमें था एक ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम। उसमें क्या होता है, जो बदमाश लोग होते हैं वो उसको हथियाना चाहते हैं, तो इनको जरूरत पड़ती है क्योंकि असली वसीयत हो गई होती है, इनको जरूरत पड़ती है जाली दस्तावेज बनवाते हैं, लिलीपुट के पास जाते हैं, वो दस्तावेज बनाता है, बनाने के बाद उसको पुराना दिखाने के लिए मिट्टी में मिलाता है, मोड़ता है, मसलता है और लुक ऐसा कर देता है जैसे तो बहुत पुराना हो। उसकी जांच करनी तो किससे होगी? अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट, यूज्ड टू टेक फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट उठाने दो, अल्ट्रावायलेट का है तो ये अल्ट्रावायलेट के बहुत सारे इस्तेमाल। नेक्स्ट, एक्सरे, इसमें इन मेडिकल एग्जामिनेशन में काम आता है। मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या मतलब? AIPMD सिलेबस में होता है ना उसके? नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये जांच करना, हेयर क्रैक है, फ्रैक्चर है, किसी ने सिक्का निकल गया तो कहां तक पहुंचा है, मेडिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे का। नेक्स्ट, इसी का टू डिटेक्ट हिडन गोल्ड कॉमा वेपन, हिडन गोल्ड, सोना कोई छुपा के जा रहा है, स्मगलिंग कर रहा है एयरपोर्ट पे, हिडन गोल्ड वेपन कॉमा ड्रग्स एटसेट्रा एट एयरपोर्ट, हिडन गोल्ड वेपन ड्रग्स एटसेट्रा एट एयरपोर्ट। फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट ब्रैग था जिसका चित्र भी आएगा अगले चैप्टर में, ब्रैग ने लॉग दिया 2D साइंटिस्ट ब्रैग को तो एलएम का, उसने स्टडी किया एक्सरे का डिफ्रेक्शन निकल क्रिस्टल से, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने में किसको यूज करते हैं? एक्सरे, टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लास्ट गामा रे, कंक्लूड करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये यूनिट खत्म हो जाएगा। गामा रे जो जहां से ओरिजिनेट होता है उससे हमें वहां की जानकारी मिलती है। तुम्हें से कोई अगर झारखंड से आया तो झारखंड की बोली, पहनावा वगैरह पता चलेगा। तो गामा रे कहां से ओरिजिनेट हुई है? न्यूक्लियस, टू स्टडी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इसमें ये लिखोगे टू स्टडी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। और फिर तुम्हें पता है अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो कोबाल्ट 60 से निकलने वाले गामा रे से कैंसर की सेल को जलाया जाता है। ये ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि दोबारा डेवलप नहीं होगी। तो उस गारंटी के लिए क्या करना पड़ेगा? गारंटी तब हो जाएगी अगर तुम ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर में रखो कैंसर पेशेंट को, तो कैंसर से दोबारा डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रूफ फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूफ फैक्ट है कि ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर में कैंसर सेल सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आसपास पेड़ पौधे अच्छे होने चाहिए, नीम का पेड़, तुलसी का पेड़, और वो जो रोगी है उसको रेगुलर प्राणायाम करना जरूरी है जिससे अंदर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहे, तो तब क्योर हो जाएगा। देखोगे इन रेडिएशन थेरेपी गामा रे यूज करते हैं, इन रेडिएशन थेरेपी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं कुछ तरह की रेडिएशन थेरेपी में,
तो ये चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे 12 नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी मैं